नमस्कार, क्रिकेट धमाका में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल जी, और सबसे पहले बात करते हैं जीत की। जी हां, जीत दर्ज की है दिल्ली कैपिटल्स ने, और सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत हुई है। यशपाल जी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैच ऐसा होगा, लेकिन कहते हैं ना, T20 इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल ठीक आपने, और ये कमी दिखी, वो आप अनुभव की कमी के ये जो पंजाब की टीम में दिखी कि जहां वो परिस्थितियों के मुताबिक हर गेंद कीमती होती है, हर किस गेंद को कैसे खेलना है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। मयंक अग्रवाल ने कमाल किया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो मैच जीत लेना चाहिए था, जब मयंक इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसको पहले टाई करवा देना तो फिर हार जाना, तो ये मुझे लगता है कि ये उनका दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ है, ये उनकी गलती से हुआ है जो पंजाब आ रहा है। बिल्कुल, वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं, वैभव का रुख करेंगे। वैभव, जब हम मैच देख रहे थे बैठकर साथ, तो ऐसा लग रहा था कि आज किंग्स इलेवन पंजाब या तो हारेगी, लेकिन जैसे ही मयंक अग्रवाल ने गेम को संभाला तो हमें ऐसा लगा कि टेस्ट का अनुभव T20 में काम आ रहा है, लेकिन यहाँ तो हो कुछ और ही गया। जी बिल्कुल जोशना, कह सकते हैं कि जो आज का दिन था वो मार्क स्टोइनिस का दिन था। पहले आकर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स का एक समय आपको लग रहा था कि जो लक्ष्य है वो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 130 रन पर सिमट जाएंगे, लेकिन मार्क स्टोइनिस ने पहले बल्लेबाजी से धूम मचाई, और उसके बाद जो 20वां ओवर उन्होंने आखिरी डाला उस समय चीज़ ऐसे क्लियर हो चुकी थी, लग रहा था कि मयंक अग्रवाल बहुत आसानी से इस मैच को ले जाएंगे, जिस तरीके से लगातार वो बल्लेबाजी करते आ रहे थे। लेकिन आज दिन मार्क स्टोइनिस का था, जिस तरीके से समझदार सूझबूझ भरी उन्होंने गेंदबाजी आखिरी ओवर में की, बिल्कुल भी रूम नहीं दिया मयंक अग्रवाल को, तो हम कह सकते हैं उन्होंने पूरा एक ट्रैप, एक जाल बिछाया मयंक अग्रवाल को आउट करने के लिए। और यहां पूरा क्रेडिट देना होगा मार्क स्टोइनिस को कि जिस तरीके से उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, उससे पहले शानदार बल्लेबाजी भी की थी, और साथ ही साथ आपको यहां क्रेडिट देना होगा कैप्टन श्रेयस अय्यर को भी, जिस तरीके से सूझ भरी कप्तानी उन्होंने की। उन्हें ये चीजें काफी क्लियर हो चुकी थी कि जो 20वें ओवर में बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए थे किंग्स इलेवन पंजाब को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बैक किया अपने गेंदबाज को मार्क स्टोइनिस को। इससे पहले ओवर में मार्क्स स्टोइनिस को काफी रन भी पड़ चुके थे, लेकिन शानदार कप्तानी श्रेयस अय्यर की, और आज का दिन पूरी तरीके से हम कह सकते हैं मार्क्स स्टोइनिस के राम रहा। और यहां काफी ज्यादा दुखी फील इस समय महसूस कर रहे होंगे मयंक अग्रवाल की, एक समय जब किंग्स इलेवन पंजाब इस मैच में बिल्कुल भी नहीं थी, मयंक अग्रवाल ने इस पूरे मैच को बनाया, और आखिर में आकर एक गलत शॉट मयंक अग्रवाल की इस शानदार पारी पर भारी पड़ गई। और यहां पर अभी देखने वाली चीज यह समझ नहीं आई कि क्यों सुपर ओवर में मयंक अग्रवाल यहां बल्लेबाजी करने नहीं आए। 89 रनों की शानदार पारी मयंक अग्रवाल ने खेली, और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने उतरे किंग्स इलेवन के बल्लेबाज सुपर ओवर में, तो केएल राहुल और निकोलस पूरन आए, दोनों ही बल्लेबाजों ने आज कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा था कि मयंक अग्रवाल नंबर 3 पे भी बल्लेबाजी करने क्यों नहीं आए सुपर ओवर में। तो ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं आज अनफॉर्चुनेट दिन रहा मयंक अग्रवाल के लिए, कि एक पूरी तरीके से एक ऐसा मैच जो किंग्स इलेवन पंजाब शायद बहुत पहले ही हार गई थी। जब हम उस दौर में पहुंचे जब हमें ऐसा लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे, तो जीता जिताया मैच पंजाब हार गई। जी बिल्कुल, एक तरीके से जिस तरीके से मयंक अग्रवाल ने आखिर में मैच बनाया, आखिर के 3 ओवर में हम कह सकते हैं लगभग 45 से 50 रन की जरूरत थी, तो मयंक अग्रवाल ने उस पूरे मैच को बनाया, लेकिन आखिर में हम कह सकते हैं एक गलत शॉट मयंक अग्रवाल पे भारी पड़ गई। हम कह सकते हैं थोड़ा सा शायद आखिर की जो 2 बॉल्स मयंक ने खेली तो उस समय थोड़ा सा उनको जो थोड़ा कह सकते हैं कि शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनका लो हुआ, एक शॉर्ट बॉल आई तो उसके बाद हम कह सकते हैं थोड़ा से वो टेंशन में भी नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसी गलती मयंक अग्रवाल कभी भी नहीं करते हैं। भारतीय क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट एक बेहद ही शानदार बल्लेबाज है, काफी अनुभवी बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस उनके पास। यशपाल जी, आपको क्या लगता है कि जब सुपर ओवर हुआ हर किसी को उम्मीद थी कि शायद मयंक अग्रवाल आएगा, क्योंकि मयंक अग्रवाल का परफॉर्मेंस हमने देखा काफी अच्छा था, तो सुपर ओवर में क्यों वो खेलने के लिए नहीं आए? देखिए ये तो वो टीम मैनेजमेंट बताएगी, मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट जो आप बात कर रहे थे स्टाइनर्स की, ये दिन होता है, ये T20 में एक गेंद आपको उलट फेर कर देती है। अगर आप देखें मुझे, मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट हुआ है, देखिए जब वो बल्लेबाजी उन्होंने की, 16.1 ओवर में 100 रन नहीं बने थे, लेकिन आखिरी 2-3 ओवर में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और खास करके जो मैं टर्निंग पॉइंट कह रहा हूँ, जो गेंद उनको फुल टॉस मिली उसको छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन जब वो जॉर्डन को भी मारा उन्होंने, लेकिन देखिए जब वो बॉलिंग करने आते हैं, ये दिन होता है, जब वो बॉलिंग करने आते हैं पहले वो मयंक अग्रवाल को फुल टॉस पे आउट करते हैं, और फिर जॉर्डन को आउट कर देते हैं फुल टॉस बॉल पे, ये दिन है। तो मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट था, कि अगर हीरो कहा जाए तो स्टाइनिस, अगर वो जो गलती
जीती है, जो कसूरवार है, जो पंजाब 11 का है वो जॉर्डन। जॉर्डन। वैभव, हमने यशपाल जी को सुना, वो हीरो बता रहे हैं स्टोनिस को और बता रहे हैं कि किस कारण पंजाब हारी, तो उसके लिए जॉर्डन को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपने भी पूरा गेम देखा, आपको क्या लगता है कि कहां पंजाब की तरफ से चूक हुई और कैसे दिल्ली ने ये पूरा मौका अपने हाथ से गंवाने नहीं दिया? जी बिल्कुल, जो आज का मैच था, अब यहाँ पे जो आखिर में जिस तरीके से जो मैच का फैसला है उसमें ये बोलना कि किससे चूक हुई और कौन ज़्यादा अच्छा खेला, ये बिल्कुल बोलना बेईमानी होगा, क्योंकि ये आज का जो मैच का फैसला हुआ है ये पूरी तरीके से लक पर हुआ है। और एक रन नहीं बना पाना किंग्स इलेवन पंजाब को ज़रूर खलेगा, क्योंकि अगर हमें याद हो कि 2016 T20 वर्ल्ड कप के लीग मैच में बांग्लादेशी खिलाड़ियों से भी ये गलती हुई थी कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को एक रन चाहिए था बनाने के लिए और 4 से 5 गेंदों पर वो एक रन नहीं बना पाए थे, शुरुआत में ही सेलिब्रेट करने लग गए थे, जश्न बनाने लग गए थे। तो एक रन बनाना कई बार कितना इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कितना मुश्किल होता है, ये आज के मैच में एक बार फिर क्लियर हो। तो यहां पर ये कहना कि किससे गलती हुई, गलतियां दोनों टीमों से बहुत ज्यादा हुई, कि जिस तरीके से पहले दिल्ली के बल्लेबाजों ने शुरुआत की, शुरुआत में थोड़ा केयरलेस क्रिकेट खेला, उसके बाद एक बार ऋषभ पंत सेट हो गए, श्रेयस अय्यर सेट हो गए, तो दोनों ने उसके बाद उन्होंने भी अपनी विकेट गंवा दी। और जब अगर हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाजों की, तो यहां पर जब देखा जा रहा है कि शुरुआत में थोड़ा रन बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अभी तक बल्लेबाज इस चीज समझ नहीं पाए कि क्यों शुरुआत में अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों ही पारियों में कि एक बार सेट, बिल्कुल वैभव, एक रन की कीमत इस तरह के जो फास्ट पेसी मैचेस होते हैं T20 खासकर उसमें पता चलती है। और मुझे लगता है कि दोनों टीमों के लिए ये सबक होगा कि कैसे मैच को स्टार्ट करना है। हालांकि दोनों ही टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमों में एंड में अपने जो रन है वो स्कोर किए। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर्स खिलाड़ी की, कौन कौन से हैं वो खिलाड़ी आपको बताते हैं। आज के मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर हैं मार्कस स्टोइनिस। स्टोइनिस ने अपनी धमाकेदार पारी से 126 फैंटेसी पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। इसके अलावा पंजाब के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले मयंक अग्रवाल इस मैच के दूसरे सबसे बड़े गेम चेंजर रहे हैं। मयंक ने 124 फैंटेसी पॉइंट्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर गेम चेंजर खिलाड़ियों की बात करें तो पंजाब के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी इस मैच में शानदार गेंदबाजी की। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। और शमी के फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें तो उनके फैंटेसी पॉइंट्स हैं 93। यशपाल जी, वही हीरो तो एक ही है, आप भी वही बोल रहे थे, मार्क स्टोइनिस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही होता है T20 में कि कौन सा ओवर कौन सा गेंद बाजी पलट दे, वही हुआ है इस मैच में। तो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ये जो हम, आपने भी सुना होगा कि खिलाड़ी टोटके करते हैं, थोड़ी सी वो कुछ ऐसा करते हैं जो जहां बैठा वहीं बैठा रहे, तो वो चीज़ें कभी कभी दिख जाती है। अभी देखिए दिल्ली की टीम ने अपना नाम भी बदला है, तो देखिए वो आगाज भी शायद वैसे ही हुआ है, तो वो नाम बदलने से कभी कभी हो जाता है, तो ये विश्वास जागता है, ये होता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं इस दौर से निकल चुका हूँ, तो कभी कभी जब आपकी ये चीज़ होती है फिर आपका विश्वास भी जाग जाता है। तो ये आगाज किया है जो दिल्ली की टीम ने, मुझे लगता है कि इनको फ़ायदा मिलेगा आने वाले मैचेस में। यहाँ से जब ऐसा मैच जीतो तो फिर जब आपके बराबर की टीम या आपसे ज़्यादा अच्छी टीम आती है उसमें आपको फ़ायदा होता है। 125 फैंटेसी पॉइंट्स स्टोइनिस के, तो वहीं मयंक अग्रवाल सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं 124 के साथ। वैभव जी बिल्कुल, जोसा मैं यहाँ पे एक सवाल यशपाल जी से पूछना चाहूँगा। यशपाल जी, आज का जो मुकाबला था ये दो युवा खिलाड़ियों के बीच में था, दो भारत के युवा खिलाड़ी, एक तरफ श्रेयस अय्यर और दूसरी तरफ केएल राहुल, दोनों टीमों के कप्तान। तो आज का मैच जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल श्रेयस अय्यर को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये दोनों टीमें एक ऐसी टीम है जो कभी भी IPL की ट्रॉफी नहीं जीत पाई हैं। वैभव, ये दोनों ही बहुत मजबूत दावेदार हैं। श्रेयस अय्यर बहुत अब अनुभवी हो गए हैं, परिस्थितियों के मुताबिक खेलते हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, पंजाब 11 हार गई, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि जो पारी खेली है मयंक अग्रवाल ने वो कमाल की खेली है। इसको कहते हैं कि वो नहीं जीते तो ठीक है, लेकिन इसको कभी कभी अगर जीत जाते तो कैसे धीमी पारी शुरू की और उसके बाद रफ्तार पकड़ी, तो वो मुझे लगता है कि सबसे दुखी वो होंगे कि मैंने मैच बना दिया और एक तरह की मैच विनिंग पारी की में तब्दील कर दिया, लेकिन आखिर में दूसरे बल्लेबाजों ने उनका साथ नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत दुख होगा। और यशपाल जी, क्या आपको लगता है कि क्रिस गेल जो आज हमें डगआउट में बैठे हुए नजर आए, कि क्या इस हार के बाद अब केएल राहुल के साथ हमें अगले मैच में एक बार फिर क्रिस गेल देखते हो ना देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह की पिछले सीजन में क्रिस गेल ने शानदार बल्लेबाजी की थी। देखिए क्या कुंबले ये बदलाव करेंगे टीम में।
मैं अगर कुंबले की जगह होता तो मैं पहले मैच में खिलाता, क्योंकि देखिए पिचेस में इतना उछाल नहीं है और जिस तरह वो खड़े खड़े जिस ताकत से वो बल्लेबाजी करते हैं और सीधे छक्के लगाते हैं चौके लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि कुंबले को ये मंथन करना होगा कि जितनी जल्दी वो क्रिस गेल को मैदान पर उतारेंगे पंजाब की टीम के लिए फायदा होगा और वो कॉम्बिनेशन सेट करना होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट में इतना ही, क्रिकेट धमाका में इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे हम लेकर विराट और वार्नर के बीच जो होने वाला है मुकाबला, उसकी खास बातें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए सुपर 100।